इस वीडियो में आज बात करने वाले हम लोग जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में, जीएससीए, जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में बहुत दिनों से लोगों के सवाल आ रहे थे कि इस पर वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के इस स्टॉक के बारे में अपडेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस कंपनी का फ्यूचर ठीक लगा। अभी वर्तमान उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन यदि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो फ्यूचर में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो इस वीडियो में इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे और एनालिसिस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, करना है तो किस लेवल पे बाई करना है, कब तक इसको होल्ड करके चल सकते हैं। साथ में यह भी बताऊंगा कि इसके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं, जिन लोगों ने अभी तक होल्ड किया हुआ उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि इस स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आप बना सके। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंपनी, ये जो नाम है जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी काम क्या करती है और काम के बेसिस पे उसका एनालिसिस करने के बाद हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल और बाकी चीजों को समझेंगे। यहाँ पे यदि हम लोग देखें जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड काम क्या करती है, तो ये कंपनी वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कंपनी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट को। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं, फाइनेंशियल परामर्श यानी कि वित्तीय परामर्श लेते हैं। यह सभी कॉर्पोरेट और संबंध मामलों पर परामर्श और व्यवसायों के सभी कार्यों में संलग्नता में शामिल है, यानी कि कंपनी पूर्ण रूप से फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जितनी भी सेवाएं आती है, चाहे वो एनबीएफसी की तरह काम करना, लोन वगैरह प्रोवाइड करना या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेवा प्रदान करना, सभी प्रकार के काम कंपनी करती है। तो काम तो काफी बढ़िया है। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज की से जुड़ी हुई जो कंपनियां होती हैं उनको लेके मैं काफी बुलिश होता हूँ। फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनियों ने पैसा कमा के पिछले कुछ दिनों में अपने निवेशकों को दिया भी है, तो काम के बेसिस पे लॉन्ग टर्म में इसमें ग्रोथ आ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की। तकरीबन 65 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि मैंने जो एनालिसिस किया अब तक उसके हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस में भी जल्दी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अभी तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजी जब आएगी तो आप जानते हैं कि शेयर के प्राइस बढ़ने से कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ता है। और कंपनी एक बार 100 करोड़ के आसपास आ गई तो उसके बाद ये सेफ जोन में आ जाएगी, फिर हमारा कोई रिस्क इसमें नहीं रहेगा, हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख सकते हैं 667% के आसपास है। पेनी स्टॉक में ऐसा संभव है क्योंकि ये बिना सिर पाव के कभी बहुत अचानक से ऊपर भाग जाते हैं, कभी बिना किसी लॉजिक के बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जब कंपनी 100 करोड़ के दायरे में आ जाएगी तो एक जो कहते हैं कि जो नियम कानून होता है उसके हिसाब से कंपनी चलेगी, इसको मैनिपुलेट करना आसान नहीं रहेगा। तब इसमें जो भी ग्रोथ देखने को मिलेगा सस्टेनेबल बेसिस पे देखने को ग्रोथ इसमें मिलेगा और फिर आपको कोई तनाव नहीं रहेगा। फिलहाल अभी भी कोई तनाव नहीं है, बस सही लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना आपका बनना चाहिए। एक साल के चार्ट पे जो आप इस स्टॉक को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कंपनी ने यहाँ पे जबरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि पेन स्टॉक में जानते हैं रिटर्न जब बहुत ज्यादा बन जाता है थोड़ी बहुत गिरावट होती है, गिरावट होने के बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन रेंज में आ गया और कंसोलिडेशन रेंज में आने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी भी स्टॉक देखेंगे तो नीचे आ गया है। ओवरऑल बात यह कि स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में अभी है, तो ये कब और किस लेवल पे जाके डाउन ट्रेंड इसका खत्म होगा और यहाँ से ऊपर उठेगा इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने 5 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, 5 साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक जो देखेंगे यहाँ से इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ था, तो जहां से कह सकते हैं कि इसका अप ट्रेंड शुरू हुआ था पर अभी उसी पॉइंट पे आके कंपनी का शेयर प्राइस एकदम ठहरा हुआ है। अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इस लेवल के आसपास जहां प्राइस ठहरा हुआ है यहां पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठेगा और फिर से इस रेंज में आके ये समय बिताएगा और यहाँ पे फिर से समय बिताने के बाद प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि अभी करना है वेट, कम से कम इस कंपनी का शेयर प्राइस 80 पैसा से नीचे तो नहीं ही जाना चाहिए, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर ऊपर उठेगा तो आएगा ये आ जाएगा इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये से लेकर 1 रुपये 20 पैसा के रेंज में, और इस रेंज में आकर समय बिताएगा और जब समय बिता के ऊपर निकले तो जो नए व्यक्ति हैं 1 रुपये 20 पैसे के ऊपर जैसे इस कंपनी का शेयर प्राइस निकले यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। बाकी जिसके पास अभी शेयर्स हैं वो होल्ड कीजिए, जब प्राइस 80 पैसा से नीचे जाने लगे तब आप चाहे तो आधा क्वांटिटी इस कंपनी के सेल कर सकते हैं और हाफ क्वांटिटी को होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी नए व्यक्ति कहाँ पे बाई करेंगे मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है, जैसे कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपये 20 पैसे के ऊपर निकले वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी कुछ अदर फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टर्स के नंबर है, हर क्वार्टर में कंपनी के सेल्स तो हो रहे हैं, सेल्स लगभग एवरेज बना हुआ है, लेकिन सेल्स हो रहा है ये बढ़िया बात है और सेल्स के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट भी कंपनी के हो रहे हैं, यानी कि कंपनी जब प्रॉफिटेबल है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल कंपनी ग्रो करती ही करती है और इसके पास कोई ज्यादा कर्जा भी नहीं है। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में भी आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक के पास जो बोरो है
कंपनी ने पिछले कुछ समय में अपने डेब्ट को लगातार कम किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तकरीबन 17 करोड़ से 16 करोड़ से कम हो गए, डेब्ट सिर्फ 7 करोड़ के आसपास रह गया है, जिससे कंपनी आने वाले समय में चुका देगी। और चूंकि कंपनी जब प्रॉफिटेबल है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इसे डेब्ट चुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद कंपनी पूरा पैसा अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी में प्रमोटर्स की मात्रा भी ठीक ठाक है, इसलिए इस कंपनी को और मेरा भरोसा बढ़ता है लॉन्ग टर्म में। यदि किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की सदाई ठीक ठाक उस स्टॉक में, और खास करके नहीं स्टॉक में जहाँ पे प्रमोटर्स होते नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक्स में ग्रोथ होने की संभावना रहती है। क्योंकि इस कंपनी का काम भी तो देखिए, काम जो है वो भी फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप सोचते हैं तो उसमें तेजी आने के चांसेस रहेंगे। इसलिए कंपनी के काम भी ठीक है, थोड़े बहुत फंडामेंटल में दिक्कत है जो समय के साथ इसमें सुधार हो जाएगा। तो बस लेवल का ध्यान रखना है, जो लेवल दिया गया उस लेवल के हिसाब से यदि आप चलते हैं तो आपको इस स्टॉक में नुकसान होने के चांसेस लगभग नहीं के बराबर रहेंगे। तो जैकम टेक्नोलॉजी लिमिटेड फ्यूचर के लिए एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मन में कोई भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे हैं।